बढ़ते आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर किए गए सियासी हमले की। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को शहजादों की जोड़ी बता डाला। मोदी दूसरे दौर के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया। फिर मोदी ने अखिलेश यादव से पूछा कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान कृष्ण का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे समझौता कर सकते। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। अमरोहा की धरती से पीएम मोदी ने यूपी के दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर फिल्मी शोले दागे। दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद एक एक कर राहुल और अखिलेश को निशाने पर लिया। राहुल गांधी पर सीधे सीधे सनातन के अपमान का आरोप लगा डाला। द्वारका में समंदर के नीचे की गई पूजा पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता को घेरा। कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। दरअसल 17 अप्रैल को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के समंदर के नीचे जाने का जिक्र अखिलेश की मौजूदगी में किया था। बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। पीएम मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी है तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो। इसे राहुल अखिलेश पर एक तीर से दो निशाना माना जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी पलटवार में पीछे नहीं। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में दूसरे दौर में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने अमरोहा की रैली में जो कुछ कहा उसके हर शब्द में चुनावी संदेश छिपा है। अब इसे जरा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यदुवंश के अपमान का जिक्र कर यूपी के 10% और बिहार के 15% यादव वोटरों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कृष्ण के अपमान और मथुरा का जिक्र कर पश्चिमी यूपी के ब्रज को साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर द्वारका के अपमान का आरोप लगाकर गुजरात के वोटरों तक चुनावी संदेश पहुंचाया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर राम भक्तों को पाखंडी बताने का आरोप लगाकर हिंदुत्व की धार के वोटरों को साधने की भी कोशिश की प्रधानमंत्री ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।